ड्रामा यार, इनका कोई जवाब नहीं। सच में इनका कोई जवाब नहीं। एक सिंपल सी स्टोरी में भी कुछ नया ढूंढ ही लेते हैं। कुछ भी कहो, इनकी ड्रामा सीरीज की स्पेशलिटी होती है इनके इमोशन। सीधा हमारे दिलों में एक अलग ही जगह बना लेती है। सीरीज लास्ट तक देखते देखते अपने इमोशन, अपने फीलिंग से जोड़कर हमारी एक एक रगों में बस जाती है। सीरीज खत्म होने के बाद कुछ टाइम तक वो खालीपन थोड़ा देर और चलना चाहिए था, नेवर गिव अप वाला, कुछ भी अच्छा ना लगे वो फीलिंग छोड़ जाती है। अगर आप डाई हार्ड कोरियन ड्रामा सीरीज के फैन होंगे तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो आज के रिव्यू में अब तक हमने जितनी भी कोरियन ड्रामा सीरीज की लिस्ट बनाई है, उनमें से टॉप 20 ऑल टाइम ऑडियंस के फेवरेट ड्रामा सीरीज को पिक किए हैं, जो हर टाइम हिट रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये सीरीज रिपीटेड लगे, पर ये भी हो सकता है कि कुछ नया देखने को भी मिले। सारी बेस्ट कोरियन सीरीज इकट्ठा एक ही लिस्ट में, और खुशी की बात है इसमें भी कुछ बोनस सीरीज को बताएंगे। आप सभी जानते ही हैं कि इस चैनल का बोनस सीरीज सबसे बेस्ट होता है, तो बोनस सीरीज को चाहकर भी मिस मत करिएगा। बस आपसे एक विनती है, हम आपके तक हमेशा बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो। अगर आप मेरी तरह कोरियन ड्रामा सीरीज के डाई हार्ड फैन है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा कर दिखा दीजिए। हम जैसा कोरियन ड्रामा सीरीज डाई हार्ड फैन कोई और नहीं। यकीन मानिए, कोरियन ड्रामा सीरीज की दुनिया में एक एक कोने में ले जाकर सैर कराएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर भरोसा रखिए वीडियो की लेंथ फील नहीं होने देंगे। और हाँ, अगर आप सीरीज को डाउनलोड लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। सीरीज का नाम कमेंट करिए, पिन या फिर डाउनलोड लिंक अपलोड कर देंगे। पर एक बात कहेंगे, हो सके तो सीरीज ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे ही देखिएगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 15 की सीरीज अपने स्वीट और सिंपल ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन से आपका दिल जीत लेगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से हाल ही में रिलीज की गई 2021 की सिचुएशनल कॉमेडी ड्रामा के साथ सो नॉट व्हाट इट सीरीज की सबसे खास बात लगी, अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हो या रह चुके हो तो इस सीरीज से आप अपने आप को काफी रिलेट करोगे। सीरीज छोटी छोटी ब्यूटीफुल खट्टी मीठी सिचुएशनल मोमेंट को अच्छी तरह से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है। सारे कैरेक्टर की एक्टिंग, स्पेशली लीड कैरेक्टर की एक्टिंग, उस पर सिचुएशनल कॉमेडी, ये सब सीरीज को मस्ट वॉच बनाती है। अगर आप स्कूल लाइफ पे बेस्ट ड्रामा सीरीज देखना चाहते हैं तो इसे जरूर देखिएगा। इसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 14 की सीरीज, अगर आप कोरिया के मॉन्स्टर हंटिंग जॉम्बी सर्वाइवल के फैन हैं तो ये सीरीज आपको वीडियो गेम की तरह एक्सपीरियंस कराएगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से यूनिक और खतरनाक 2020 की हॉरर थ्रिलर के साथ स्वीट होम सीरीज की शॉर्ट स्टोरी है, शहर के लोगों को एक खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जहां एक अपार्टमेंट में कुछ लोग बचे हैं, उन्हें सरवाइव करना है। सीरीज के सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, दुनिया सच में खतरनाक है और सारे कैरेक्टर की परफॉर्मेंस फर्स्ट एपिसोड से ही सीरीज आपको हुक कर लेगी। इन सभी के बावजूद इनके खून खराबा मॉन्स्टर हंटिंग इनके सर्वाइवल इसके लिए सभी सीरीज को मस्ट वॉच बनाती है। इसे आप एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 13 की सीरीज आपको प्यार का सही मतलब सिखा जाएगी। 2016 की सुपर हिट रोमांस ड्रामा सीजन 16 एपिसोड के साथ समथिंग अबाउट 1% सीरीज की स्टोरी थोड़ा अतरंगी है। कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के ग्रैंडफादर का आखिरी इच्छा है कि उनके ग्रैंडसन शादी कर ले, ताकि उस अकड़ू और घमंडी ग्रैंडसन को सुधारा जा सके। सीरीज तो इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब उनके ग्रैंडसन एक ऑर्डिनरी टीचर को 6 महीने एग्रीमेंट साइन करके अपनी बीवी बनाकर ले आते हैं। सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट है इनकी खट्टी मीठी लव स्टोरी, जो हर कपल के लिए मस्ट वॉच होनी चाहिए, और इसके हिंदी डबिंग आपको दिल को छू लेगी। इसे आप फ्री में एमएक्स प्लेयर पे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 12 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज, मेरे लिए ये सीरीज कोई सरप्राइज से कम नहीं था। फ्रेश एंड यूनिक कंटेंट का एक जीता जागता रूप है। आज तक हमने इतनी टाइम ट्रैवल जैसी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी पे बनी मूवी देखी, उतना क्लियर नहीं हुआ जितना ये सीरीज हमें सिखाया। रोमांस ड्रामा साईफाई नेटफ्लिक्स की तरफ से 2020 की एलिस। 12 की सीरीज आपके इमोशन से जुड़कर आपके दिल में बस जाएगी। रोमांटिक कंटेंट देखने का एक लेवल ऊपर, सीरीज के इमोशन और उसके सिंपलिसिटी आपके दिमाग में कई दिनों तक रह जाएगी। 2018 की ब्लॉकबस्टर हिट रोमांस ड्रामा के साथ रिचमैन सीरीज के इमोशन इतना टाइट है कि अगर आप इस सीरीज को देखना स्टार्ट किए तो पूरा देखकर ही छोड़ोगे, इतनी टाइट है इसकी स्क्रीन प्ले। सीरीज की स्टोरी एक अमीर बिजनेसमैन और एक गरीब लड़की की है। उसका सपना होता है बड़ी कंपनी में काम करना, पर वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। एक बार गलती से किसी और के रिज्यूम से वहां जॉब मिल जाता है, उसके बाद से शुरू होता है ये इंटरेस्टिंग वेब सीरीज, जहां एक अनएजुकेटेड लड़की उस कंपनी में अपने आप को कैसे साबित करती है। सीरीज के रोमांटिक थीम वन ऑफ दी बेस्ट है, इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा, आपको फर्स्ट एपिसोड से ही सीरीज हुक कर लेगी। इसे आप फ्री में एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं।
नंबर 11 की सीरीज के इमोशन इतना जबरदस्त है कि आपको कई बार रुला देगी। ऐसी सीरीज को सीरीज नहीं इमोशन बोलते हैं। नेटफ्लिक्स की पॉपुलर कोरियन ड्रामा 2021 की मूव टू हेवन। सीरीज की स्टोरी एक लड़का जिसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है अपने पिताजी का बिजनेस मूव टू हेवन में काम करता है। ऐसा काम की किसी के मरे हुए घर जाकर उसके रूम को साफ करने का, उसके आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का। सीरीज में आपको देखना है उसके पिताजी के मर जाने के बाद उसके पिताजी का बिजनेस मूव टू हेवन को अपने अकड़ू अंकल के साथ कैसे चलाता है जो अभी अभी जेल से छूटकर आया है। सीरीज का इमोशन इतना जबरदस्त है कि किसी भी पत्थर दिल को पिघलाकर रुला सकता है। सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट है इसके हार्ट टचिंग स्टोरी लाइन और लोगों की इमोशन। सीरीज में कई ऐसा मोमेंट है जहां ना चाहते हुए भी सीरीज आपको रुला जाएगी और लास्ट तक आते आते आपको लाइफ के कई ब्यूटीफुल लेसन सिखा जाएगी। मेरा यकीन कीजिए, ये सीरीज देखते वक्त आप जरा सा भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। इसे आप कमाल की हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 10 की सीरीज आपको इमोशनल लेवल पर जाकर टच करेगी 2018 की सुपर हिट क्राइम ड्रामा के साथ हाइड एंड सीक। फर्स्ट एपिसोड से ही सस्पेंस बिल्डअप करती है जिसके वजह से हम सीरीज से एक्साइटेड रहते हैं। एक लड़की जिसने कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी को खड़ा किया, एकदम से उन सारी फैसिलिटी को बंद कर दिया जाए और उसे पागल खाने में डाल दिया जाए तो आप क्या करिएगा। ये सीरीज सेल्फ डिफेंस का अच्छी मतलब सिखा जाती है। ऐसी सीरीज को सिर्फ देखनी नहीं, फील करनी चाहिए। और खुशी की बात है इसे आप हिंदी में फ्री में एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 9 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज। हर नेटफ्लिक्स कोरियन सीरीज की तरह कुछ अलग और फ्रेश। ऑडियंस के बीच सुपर हिट नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक रोमांस ड्रामा के साथ 2021 की वेसेंजो। नंबर 9 की सीरीज अगर कोई स्टार्टअप जैसी उस लेवल के टक्कर का कोई सीरीज है तो ये अपने मकसद को पाने के लिए जुनून और पागल। नेटफ्लिक्स की 2020 की ड्रामा सीरीज जिसे हाल ही में डब्ड किया गया सुपर हिट कोरियन ड्रामा ईटा वन क्लास। सीरीज की स्टोरी सिंपल है पर इसके इमोशन आपके इमोशनल लेवल पर हिट करेगी। एक हाई स्कूल से निकले दुश्मनी पूरी लाइफ किसी की रिवेंज की उसकी मकसद बन जाती है। ऐसा वैसा रिवेंज नहीं, हुनर और मेहनत वाला। ये सीरीज इंस्पायर कर आपको सिखाएगी बार बार गिरकर बार बार उठ खड़ा होना। आपकी राहों में चाहे कितनी बार भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी बार भी ठोकर लगे, आप बार बार उठकर अपने मकसद को हासिल करना ही सही कामयाबी है। थैंक टू नेटफ्लिक्स ऐसी चिंगारी हम इंडियंस हम ऑडियंस तक लाने के लिए। मेरा यकीन मानिए सीरीज खत्म होने के बाद वो खालीपन वाला फीलिंग छोड़ जाएगी। अगर आप स्टार्टअप के फैन हैं तो ऐसी इंस्पिरेशनल सीरीज को भी मत करिएगा। नंबर 8 की सीरीज हजारों सालों की एपिक लव स्टोरी 2016 की सुपर हिट ब्लॉकबस्टर माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट के साथ गार्डियन द लॉनली एंड ग्रेट गॉड उर्फ गोब्लिन। सीरीज के स्टोरी के बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे, बस इतना जान लीजिए हमारा हीरो अपने सीने से आर पार एक तलवार को 900 सालों से धरती पे ले घूम रहा है। क्यों घूम रहा है और 900 सालों से कैसे, सीरीज को देखिए आपको सारे जवाब मिल जाएंगे और मजा भी आएगा। मेरे तरफ से हाईली रिकमेंड है डाई हार्ट कोरियन ड्रामा को। इसे नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश सबटाइटल और अनऑफिशियली साइट से हिंदी डबिंग के साथ डाउनलोड कर देख सकते हैं। नंबर 7 की सीरीज की कॉन्सेप्ट और इसके इमोशन इतना टाइट है कि आप कभी भी अपने दिमाग से इस सीरीज को निकाल नहीं पाएंगे। इसके इमोशन से आपको एक अपना सा लगाव लग जाएगा 2016 की रोमांस ड्रामा के साथ लीजेंड ऑफ द ब्लू सी। कोरियन सीरीज के बारे में क्या ही बताएं, बस इतना जान लीजिए एक मरमिड यानी जलपरी और एक इंसान की एपिक लव स्टोरी देखने को मिलेगी। ऊपर से कोरिया की और उसमें ट्विस्ट फ्लैशबैक की हो तो पूछिए मत, सीरीज कब इमोशन बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सीरीज के सबसे बेस्ट पार्ट है इसके हार्ट टचिंग स्टोरी लाइन। सीरीज में आपको कई ऐसा मोमेंट है जहां आपको रुला सकता। आप आंख बंद करके देखना चालू करिए, आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आपका कीमती टाइम वेस्ट हो रहा है। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है, ये हिंदी में डब नहीं है। इसे आप नेटफ्लिक्स पे और अनऑफिशियली साइट से ऑफिशियली हिंदी डबिंग डाउनलोड कर देख सकते हैं। नंबर 6 से पहले बोनस नंबर 3 कोरिया की सबसे बेस्ट सीरीज में से एक 2016 की सुपर डुपर हिट रोमांस ड्रामा के साथ डिसेंडेंट ऑफ द सन। इस सीरीज के बारे में क्या बताएं, हर एक एंगल से टॉप नॉच। अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो बस इस सीरीज को देखना चालू करिए, आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस कराएगी। नंबर 6 की सीरीज हम ऑडियंस के दिलों में एक चिंगारी की तरह है। अगर आप डिमोटिवेट है तो इस सीरीज को देखिए, आपको एक एक रगों में पॉजिटिव चार्ज भर देगी। नेटफ्लिक्स की धमाकेदार वेब सीरीज 2021 की स्टार्टअप। इस सीरीज के बारे में जितना भी बताएं उतना कम है।
बात करें स्टोरी की तो तीन दोस्त कैसे एक छोटे शहर के गलियों से उठकर सिर्फ अपने हुनर और कुछ कर गुजरने के हौसले से कोरिया के सबसे बड़े कंपनी खड़ा करते हैं। सीरीज के सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है उतार चढ़ाव के साथ हमारे जिंदगी के कई बड़े बड़े लेसन सिखा जाती है। और इसके दूसरे पॉजिटिव पॉइंट है इसके कैरेक्टर की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग जो सीधा आपके दिल में उतर जाएगी। ऐसी मैच्योर वेब सीरीज हम इंडियंस के लिए बहुत ही जरूरी है। नेटफ्लिक्स की है तो इसके हिंदी डबिंग पूछिए मत। नंबर 5 की कोरियन सीरीज यार पूछो मत, एक बार देखना चालू किए तो पूरा सीरीज देखकर ही छोड़ोगे। सीरीज आपको हर जगह से जकड़ लेगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से रोमांस ड्रामा 2020 की द किंग इटर्नल मोनार्क। सीरीज की स्टोरी में दो पैरेलल दुनिया को दिखाया गया है जो सच में इस कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी के इस सीरीज में इतने बारीकी से इम्प्लीमेंट किया है काबिले तारीफ है। सीरीज के स्टार्टिंग एपिसोड से ही आपको ये फील कराती है कि ये सीरीज में दम है, आपको कुछ नया दिखाएगी और इसमें पूरी तरह से खरी उतरती है। वो घोड़े पे सवार एक दुनिया से दूसरी दुनिया की एंट्री, किंगो उनकी रफ एंड टफ वाला पुलिस ऑफिसर का फर्स्ट लुक, और सबसे खास बात इस सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक पूछिए मत। जब जब बजता है तब तब शरीर के एक एक रोंगटे उछलने लगते हैं। ऐसी सीरीज को कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। इसे आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 4 से पहले बोनस नंबर 4 की सीरीज। इस सीरीज के बारे में क्या बताएं? सीरीज से आप इस लेवल पे जाकर चिपक जाते हो कि एक टाइम पे जाकर आपको ये सीरीज अंदर से रुला देती है। सीरीज खत्म होने के बाद सीरीज से गिव अप होने के लिए आप तैयार नहीं रहते हो। इस लेवल पे जाकर आप इस सीरीज में खो जाते हो। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2019 की रोमांस ड्रामा के साथ क्रैश लैंडिंग ऑन यू। नंबर 4 की सीरीज यार ऐसी कॉन्सेप्ट ऐसी इमेजिनेशन सोच कैसे लेते हैं? सोच भी लेते हैं तो इतनी परफेक्ट बैलेंस तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे कर लेते हैं? इन शॉर्ट ये सीरीज 10 दिनों की भूख वाला वो फीलिंग छोड़ जाएगी। मेरे नजर में अब तक की सबसे बेस्ट ज़ॉम्बी सर्वाइवल सीरीज में से एक 2019 की नेटफ्लिक्स की तरफ से हॉरर सर्वाइवल के साथ किंगडम। शुरुआत के एपिसोड से ही ये सीरीज आपको जकड़ लेगी क्योंकि हर एपिसोड की एंडिंग ऐसे मोड पर खत्म होता है कि आप मजबूर हो जाते हो नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करने के लिए। सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट है 6th Century का वो सेट जो डायरेक्टर ने इतनी बारीकी से सीरीज में इंप्लीमेंट किया है कि मानना पड़ेगा सच में माइंड ब्लोइंग है। और इनके पास हथियार के नाम पे बस तलवार और तीर कमान है और इनसे ही इन्हें ज़ॉम्बी से लड़कर सरवाइव करना है। ऐसी एपिक बियॉन्ड इमेजिनेशन मास्टरपीस वेब सीरीज एक ही बार बनती है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और खुशी की बात है अनऑफिशियली हिंदी डबिंग अनऑफिशियली साइट पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। नंबर 3 की कोरियन ड्रामा सीरीज के बारे में क्या बताएं? सच में इनका कोई जवाब नहीं। कोई ऐसा बंदा ना होगा जो ये सीरीज देखने के बाद उसके फेवरेट कोरियन ड्रामा सीरीज के लिस्ट में टॉप पर ऐड ना हो। नेटफ्लिक्स की तरफ से ब्लॉकबस्टर सीरीज रोमांस ड्रामा के साथ सीरीज नहीं इमोशन 2020 की इट ओके टू बी नॉट बी ओके। इस सीरीज की पॉपुलैरिटी के बारे में क्या बताएं? हर एक डाई हार्ड कोरियन ड्रामा फैन के जुबान पे है। और क्यों ना हो, सच में सीरीज की एक्टर की एक्टिंग, इसके इमोशन और स्टोरी लाइन काबिले तारीफ है, एकदम नेक्स्ट लेवल का। बस से इतना ही कहेंगे कि अगर अभी तक आपने इस सीरीज को नहीं देखा तो आंख बंद करके बेहिचक देखना चालू करिए, आपका एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस सीरीज के आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 2 की सीरीज यार सच में इनकी इम्प्लीमेंटेशन को मानना पड़ेगा, एकदम अंदर से हिला देती है। हम कितने जजमेंटल होते हैं कि एक एपिसोड देखकर हम सीरीज को जज कर लेते हैं। मेरी तरह आप ये गलती मत करना, नहीं तो आप एक बेहतरीन सीरीज को मिस कर देंगे। 2020 की ब्यूटीफुल हिट ड्रामा थ्रिलर के साथ द पेंट हाउस। इस सीरीज के अब तक 10 ही एपिसोड हिंदी में रिलीज हुई है। इसके 10 एपिसोड ने ही मेरे दिमाग पे गहरा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे ही इसके नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होती है पहले हम उसे देखेंगे। ये सीरीज पूरी तरह से आपके इमोशन से खेलेगी। 13 Reasons Why के बाद अगर कोई सीरीज उस लेवल पे हमें इमोशनल हिट किया है तो वो है ये ड्रामा सीरीज। वो दर्द आपको ये सीरीज फील कराती है, ऐसी सीरीज को मिस मत करिएगा। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 5 की सीरीज, जिसे देखने के बाद हमको कोरियन ड्रामा सीरीज में मेरा इंटरेस्ट जागा था। इस सीरीज के इंपैक्ट मेरे लिए इतना गहरा था कि इस सीरीज को खत्म होने के बाद मेरा दिमाग गिव अप करने के लिए तैयार ही नहीं था, वो खालीपन वाला फीलिंग छोड़ गया था। कोरिया की सुपर डुपर हिट ड्रामा सीरीज 2013 की माई लव फ्रॉम द स्टार। Find me in the corner of the room, not ready to...
नंबर वन की सीरीज आप अंदाजा लगा लीजिए ये सीरीज नंबर वन पे है तो किस लेवल का होगा। 2019 की ब्लॉकबस्टर सीरीज होटल डे लूना। सीरीज की स्टोरी एक होटल की है जहां सिर्फ मरे हुए लोगों और भटके हुए आत्मा की एंट्री है। उस होटल में भटके हुए आत्माओं को उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर उसे मुक्ति दिलाने का काम किया जाता है। एक बार एक जिंदा इंसान उस होटल में चला जाता है। सीरीज की स्टोरी जितना सिंपल बता रहे हैं उतना सिंपल बिल्कुल नहीं है। सीरीज के सबसे बेस्ट पार्ट है इसके विजुअल एक्सपीरियंस बियॉन्ड सिनेमेटोग्राफी, इंगेजिंग और ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन। ये सब डाई हार्ड कोरियन ड्रामा सीरीज फैन को मस्ट वॉच बनाती है। बस इसके हिंदी डबिंग से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ नेटफ्लिक्स पे और अनऑफिशियली साइट पे अनऑफिशियली हिंदी डबिंग के साथ डाउनलोड कर देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का मेहनत आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।